हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 32 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सामाजिक विज्ञान और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 8 फेब 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप सब मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे बच्चों ईश्वर से अनुराग, मतलब ईश्वर से प्रेम कैसे किया गया है और उसमें जो पास्ट था हमारे इतिहास था उसमें कैसे ईश्वर से अनुराग किया जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 6 में हमने पढ़ा कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानियों का अध्ययन ही नहीं बल्कि इतिहास में आमजन स्मारकों एवं इतिहास के साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते हैं। तो जो हमने छठी कक्षा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि इतिहास में सिर्फ राजा और रानियाँ नहीं आती, उसमें क्या जो हमारे आम लोग हैं, जो हमारी स्मारक है, जो बिल्डिंग बनी हुई उस टाइम की और क्या उस टाइम साहित्य था वो भी हम क्या है इतिहास में ही पढ़ते हैं। तो आगे आज हम देखते हैं इस वर्कशीट में, आज जिस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं वह इतिहास के भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इतिहास में भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उस इस समय के संतों लेखकों नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन का कैसा था, मतलब वहाँ पे उस टाइम क्या था, जो संत थे, लेखक थे, नारी थे और विभिन्न जाति उस टाइम की कैसी थी, विभिन्न दर्शन एवं जीवन पद्धति के विषय में उनका नजरिया क्या था। ठीक है, तो वह सभी हम देखेंगे कि कैसे वो जीवन व्यतीत करते थे और उनका किस प्रकार का नजरिया था। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। तो 7वीं से 9वीं शताब्दी में क्या हुआ, कुछ धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हुए, मतलब प्रादुर्भाव मतलब स्टार्ट हुए। ठीक है, इन आंदोलन का नेतृत्व नेयनारो क्या होते थे, शैव संतों और अलवारों जो कि वैष्णव संतों ने किया। मतलब जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुए थे उसमें दो भगवान को मानते थे, एक शैव को मानते थे, शिव को मानते थे, दूसरे क्या थे, विष्णु को मानते थे। तो विष्णु को मानने वाले को क्या नाम दिया गया बच्चों, अलवारो नाम दिया गया और शिव को मानने वाले को नेयनारो नाम दिया गया। ये संत सभी जातियों के थे, तो इसमें जो संत थे वो सभी जातियों के थे। ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो ये क्या थे, ये शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को दिखाते हुए सभी लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य क्या मतलब, यहाँ पे तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण यह सामान्य सन यानी 20वीं शताब्दी की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित। तो संगम साहित्य मतलब क्या, तमिल साहित्य के बारे में बात हो रही है। मेरी समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों का अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेश किया। मतलब क्या किया उन्होंने, जो प्यार शूरवीरता मतलब प्यार भी हो और बहादुर भी हो उसको भक्ति के मूल्य में मिला दिया गया। नेयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, ये जो दोनों थे नेयनार और अलवार क्या थे, घुमक्कड़ साधु संत थे। मतलब ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। फिर जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। तो जैसे वो घूमते फिरते रहते थे तो जिस जहाँ भी वो जाते थे और जहाँ के वो देवी देवताओं जो भी लोग वहाँ पर मानते थे उसके उन देवी देवताओं के रूप में वो वहाँ पे कुछ कविता लिखते थे और उनको संगीतबद्ध कर देते थे, मतलब उनके बारे में संगीत भी लिखते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है। तो जो भक्ति है हमारी वो उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में, मतलब एक लाइन लिखी गई है उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में कि भक्ति दावरी उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ एवं उसे रामानंद उत्तर भारत में लेकर आए। तो इसमें कहा गया कि जो भक्ति है उसका उदय क्या हुआ था बच्चों, दक्षिणी भारत में हुआ था और जो भगवान राम थे वो उसे उत्तर भारत में लेकर आए थे। अब हम नेयनार और अलवार के बारे में कुछ और बातें पढ़ते हैं। नेयनार क्या थे, ये भगवान शिव के उपासक थे और इनकी संख्या 63 थी बच्चों, जो नेयनार संत थे वो 63 थे। और अलवार क्या थे, ये भगवान विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या 12 थी। तो अलवार संख्या में 12 थे और नेयनार संख्या में 63 थे। गतिविधि फर्स्ट है आपके लिए, पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 में दी गई मणिक वाक सागर की रचना का अध्ययन करें और बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का वर्णन कैसे किया है। तो ये आपको एक गतिविधि है बच्चों, आपको अपने क्या करना है, अपने अतीत 2 की पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और इसमें जो है आपकी मणिक वाक सागर रचना दी गई होगी, उसमें आपको एक लाइन मिलेगी कि इसमें कवि ने अपना भगवान के साथ किस प्रकार वर्णन संबंध
बताया है, तो आप उसको देखकर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आप गतिविधि खुद से करेंगे। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। तो हमने पढ़ा है यहाँ पे भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे बच्चों सही। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे सही है ये, यहाँ से आपको दिख रहा है भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ था, तो ये आंसर हो गया बच्चों आपको सही। नेक्स्ट है, निन्यानवे की संख्या 12 थी। तो देखते हैं यहाँ पे निन्यानवे की संख्या कितनी थी बच्चों, 63 थी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य, सेकंड क्या हो जाएगा आपका असत्य। अलवार भगवान विष्णु के भक्त है, तो अलवार किसके भक्त है बच्चों, विष्णु के भक्त है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो आप इसका आंसर सत्य कर देंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी वर्कशीट थी, तो हमने आपके साथ कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।